हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे, अगला टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर जो है प्राइस सीलिंग। बहुत सिंपल टॉपिक है, ग्राफ समझना है, प्राइस सीलिंग इंपोज गवर्नमेंट क्यों करती है ये हमें सीखना है। लेकिन इससे पहले बात करें, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइमल्टेनियस चेंज डिमांड और सप्लाई में जब भी होंगे तो क्या इफेक्ट आएगा मार्केट के इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। ये आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये इस पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का आखिरी टॉपिक है प्राइस सीलिंग, और इसी में कवर करेंगे, मतलब इसी टॉपिक के साथ प्राइस फ्लोरिंग। अब बात करें प्राइस सीलिंग है क्या। बच्चों सीलिंग का मतलब होता है छत, और यहां सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम। तो प्राइस सीलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करती है। प्राइस डिसाइड कर क्यों रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग को रिड्यूस करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग कर रही है, ताकि जितने भी एसेंशियल आइटम्स हैं, जितने भी एसेंशियल जो जरूरी या फिर डेली एसेंशियल डेली लाइफ के जितने भी आइटम्स हैं वो लोग कम कॉस्ट में अफोर्डेबल प्राइस में इजीली परचेज कर पाए। तो प्राइस सीलिंग इज मैक्सिमम प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और ये टूल गवर्नमेंट इंपोज करेगी फॉर द एसेंशियल गुड्स। दिस टूल इज इंपोज बाय द गवर्नमेंट सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इजीली एसेंशियल आइटम्स इन देयर बजट, ताकि हर एक व्यक्ति जितने भी एसेंशियल आइटम्स हैं, जितने भी गेहूं बाजरा चावल चीनी ऐसे एसेंशियल आइटम जो हमारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, उन सभी के लिए गवर्नमेंट इंपोज करेगी मैक्सिमम प्राइस। ये डिसाइड करेगी मैक्सिमम प्राइस कितनी रहेगी, और कोई भी दुकानदार उस प्राइस से ऊपर नहीं बेचेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट खुद इस प्रोडक्ट को बेचती है, एसेंशियल आइटम को, बहुत लो कॉस्ट पे, और वो भी विद देयर फेयर प्राइस शॉप्स, अपनी राशन की दुकान से। बात करें ग्राफ कैसे बनेगा इस टॉपिक में, ग्राफ बनाने के लिए वापस मुझे आना पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पर। मार्केट इक्विलिब्रियम ये मेरा डिमांड कर्व, ये मेरा सप्लाई कर्व, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरी प्राइस और ये मेरी क्वांटिटी, एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई। अब प्राइस सीलिंग में समझे, मार्केट में सपोज प्राइस चल रही है ओपी, आज मार्केट तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई तो इक्वल है, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि इकोनॉमी में जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक करेगा हर एक व्यक्ति की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट पर मार्केट के अंदर अब कोई भी डिमांड या फिर कोई भी सप्लाई शेष नहीं बची, जितने भी लोग प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे थे सारे खरीद चुके हैं। तो बच्चों डिमांड की डेफिनेशन इस तरह से डिजाइन की गई है कि डिमांड की डेफिनेशन कहती है मेरे पास विलिंग पावर और परचेजिंग पावर, इन दोनों का होना जरूरी है तभी डिमांड मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे आज भूख लगी है, मुझे आज गेहूं चावल खरीदना है, भूख लगी है, विलिंग पावर है, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या मैं डिमांड क्रिएट कर पाऊंगा, मैं डिमांड की डेफिनेशन के अंदर आऊंगा ही नहीं, या मेरी क्वांटिटी डिमांड की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगी। तो इसी रीजन की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमेशा ये माना जाता है मार्केट में जो डिमांड है वो मार्केट की सप्लाई के इक्वल है, लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो उस प्राइस पर प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एसेंशियल आइटम है ऐसे, बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। इनिशियल आइटम को यदि लोग परचेज नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस प्राइस को देखते हुए कि लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एक काम करो इस प्राइस को कम कर दो। अब अधिकतम प्राइस रहेगी यहां तक, कोई भी दुकानदार इस प्राइस से ऊपर नहीं बेचेगा, कोई भी दुकानदार इस प्राइस से ऊपर नहीं बेचेगा, और प्राइस रहेगी अधिकतम यहां तक। जैसे गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट इंपोज किया, लोगों के लिए जो एसेंशियल आइटम परचेज करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे, अब वो लोग इजिली कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट इंपोज किया, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई कर गया प्रिवेल, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई कर गया प्रिवेल, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया
कि अब दुकानदार इस रेट से ऊपर नहीं बेचेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया कि बेचना ही बेचना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने केवल ये कह दिया है कि पहले सपोज प्राइस थी 50 रुपए, लोग चीनी 50 रुपए नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब प्राइस रहेगी 40। अब चीनी बेचनी है तो 40 रुपए पर ही बेचनी है। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि चीनी बेचनी ही बेचनी पड़ेगी, अगर आपको बेचना है मार्केट में सप्लाई क्रिएट करनी है तब 40 रुपए पर ही बेचनी पड़ेगी। जैसे गवर्नमेंट ने प्राइस की कम, कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिन्होंने सप्लाई मार्केट में कर दी कम और लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस सीलिंग की वजह से दिक्कत अराइज हुई। एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्ट सप्लाई, तो गवर्नमेंट ने किया क्या, गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट को महंगा खरीद के अपने फेयर प्राइस शॉप से लोगों में बांटना चालू कर दिया, ताकि हम एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन को फुलफिल कर पाए। जो आज सोसाइटी में डिफरेंसेस आए डिमांड और सप्लाई के बीच में, हम ये डिफरेंसेस कंप्लीटली मीट आउट कर पाए। तो आपको प्राइस सीलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब, प्राइस सीलिंग कॉन्सेप्ट मतलब एक ऐसी प्राइस जहां पर गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर रही है, प्रोड्यूसर को अधिकतम इसी प्राइस पर बेचना पड़ेगा। क्यों डिसाइड कर रहे हैं, ताकि लोग इजिली इस तरह के एसेंशियल आइटम अफोर्ड कर पाए, परचेज कर पाए और ब्लैक मार्केटिंग प्रैक्टिसेस कर वो। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट इम्पोज किया, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ गई और सप्लाई होगी डिक्रीज। अब कुछ मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो उस प्रोडक्ट को महंगा भी खरीद सकते हैं, तो अल्टीमेट प्राइस सीलिंग इम्पोज करने की वजह से किसी किसी जगह पर जो ब्लैक मार्केटिंग प्रैक्टिस है वो वापस क्रिएट होने लगी, क्योंकि जो लोग सक्षम है, जो लोग कैपेबल है, वो ज्यादा प्राइसेस पर भी गुड्स परचेज कर पाएंगे, तो उन्हें इस 40 रुपए पर नहीं खरीदना, वो खरीदेंगे इस 50 रुपए वाली रेट पे। लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे इम्पोज की लेस प्राइस, डिमांड बढ़ी, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से सप्लाई गिरी, जो दिक्कत राइज हुई वही एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट ने एक्सेस डिमांड को रिड्यूस किया फेयर प्राइस शॉप से, ताकि हम गवर्नमेंट ज्यादा रेट पर परचेज कर पाए और जिन लोगों को जरूरत है उन्हें कम रेट पर दे पाए। ये बात थी बच्चों आज का ओवरऑल टॉपिक प्राइस सीलिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका है, इनकेस नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश करूँ। ऐसे रिलेटेड टॉपिक जो अगला है प्राइस फ्लोरिंग, इस टॉपिक, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।